संतोष भारतीय जी, 22 पर मौजूद सारे हजरात, सबसे ज्यादा काबिल एहतराम और सम्मानित इस पिंडाल में बैठी देशभक्त जनता, बहुत कम समय लूंगा आपका, अपनी बात कह करके रुखसत होने की कोशिश करूंगा, क्योंकि और भी लोग हैं जिनके सामने अपनी बात नहीं बल्कि देश की बात, देशवासियों की बात को रखना है। इस मन में सवाल आया, इस डाइस पर बैठने के बाद, इस मंच स्टेज पर बैठने के बाद, और वो सवाल मैं और आप सब शेयर करना चाहेंगे कि इस देश में सोचना पड़ेगा हमें और आप सब को कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संत कौन है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुख दर्द और का अपना समझने वाला कौन है। हरगिज वो सबसे बड़ा संत हो नहीं सकता, वो सबसे बड़ा साधु हो नहीं सकता, वो सबसे बड़ा सूफी हो नहीं सकता, वो सबसे बड़ा गुरु ग्रंथ का मानने वाला गुरु हो नहीं सकता, वो सबसे बड़ा पादरी हो नहीं सकता। हरगिज हरगिज ईश्वर का भक्त, अल्लाह का बंदा वो हो ही नहीं सकता जिसके मन में आम जनता की सेवा की भावना ना हो। ऊंचे पैपदों से कुछ नहीं होता है, खुद जमीन पर बैठे समाज को ऊंचे पर बिठाए वो सबसे बड़ा संत होता है। मैं दाद दूंगा उस मां को जिस मां की कोख से जन्मा ये संत जिसका नाम अल्लाह हजारे जमीन पर बैठता है मगर आसमान पर हिंदुस्तान को बिठाने की कोशिश कर रहा है। धन्य हो वो छाती जिसका दूध पीकर ये लाल पैदा हुआ और हिंदुस्तान वासियों की सेवा करने के लिए पूरे देश के दौरे और भरवते उतर पड़ा। आज की तारीख में भारत का अगर कोई जगत गुरु है तो अन्ना हजारे है, शंकराचार्य है तो अन्ना हजारे है, साधु है सबसे बड़ा तो अन्ना हजारे है, संत है सबसे बड़ा तो अन्ना हजारे है, सूफी है सबसे बड़ा तो अन्ना हजारे है। तन रगने से कुछ नहीं होता, मन रगना जरूरी है। जो मिया रंग रंग लिया तो क्या हुआ, मन तो तेरा रंगा नहीं। आज अगर अजमेर की धरती को, अजमेर की दरगाह को, अजमेर की खानकाह को, अजमेर की बारगाह को अगर सूफी छोड़कर चला है तो अन्ना हजारे की दिशा और दशा को देख कर चला है कि अब सूफी को जरूरत नहीं है कि खानकाह में बैठा रहे, किसी साधु और संत को जरूरत नहीं है कि मंदिर और मठ में बैठा रहे, किसी पादरी को जरूरत नहीं है कि गिरजा में बैठा रहे, किसी गुरु ग्रंथी को जरूरत नहीं है कि वो गुरुद्वारे में बैठा रहे। हिंदुस्तान आवाज दे रहा है, समय पुकार रहा है, आम जनता में बेचैनी फैली हुई है, डाकू देश को लूट रहे हैं, नौजवान बेरोजगार हो रहा है, गरीब खुदकशी कर रहा है। हम मंदिर में बैठकर अपने को संत और साधु कहलाए, हम दरगाह में बैठकर अपने को सूफी कहलाए, हम गुरुद्वारे में बैठकर गुरु ग्रंथी कहलाए, हम गिरजा में बैठकर गुरुद्वारे में बैठकर के हम अपने को पादरी कहलाए। गलत है ऐसे जगहधारी और ऐसे प्रेस वालों से जिनके मन में आम जनमानस की, आम जनमानस की सेवा का भावना ना हो, जज्बा ना हो। सलाम करता हूं अन्ना हजारे आपको और 120 करोड़ जनता आपको सलाम करती है। आपसे बड़ा शंकराचार्य कौन हो सकता है जिसने अपनी जान की बाउंडी, अपने जान की बाजी लगाकर हिंदुस्तान के भ्रष्टाचारियों से लोहा लेने के लिए निकल पड़ा है मैदान के अंदर। ऐसे योद्धा को सलाम, ऐसे मर्द मुजाहिद को सलाम, ऐसे जमीन पर बैठकर आसमान पर उठाने वाले आप हिंदुस्तानियों को सलाम है। आज की थी दौर में, आज के पीरियड में, आज के समय में, आज के वक्त में, आज के टाइम में हमारा अगर कोई गुरु है अन्ना हजारे है, हमारा अगर कोई जगत गुरु है अन्ना हजारे है। एक वाकया बयान करूंगा, जिस सूफी पंथ जिस विचारधारा से मैं आता हूं, उस सूफी के इमाम सूफिया है आप सूफी हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि सूफी वो है जो तस्बीह हाथ में हो, माला हाथ में हो, अल्लाह की इबादत में लगा हो, मुसन्ना बिछाए बैठा हो, लेकिन जब कोई अल्लाह की बनाई मखलूक जनमानस में से कोई
तो तस्बीह को एक किनारे रख दे, माला को एक किनारे रख दे, कंठी को एक किनारे रख दे, मुसल्ले को लपेट दे, खानकाह से बाहर निकले, मंदिर से बाहर निकले और जनमानस की सेवा के लिए जीवन की बाजी लगा दे। ऐसा व्यक्ति कौन है? अल्लाह हमारे आज उसी मिशन को लेकर के सूफी जिलानी आपकी खिदमत में निकल पड़ा है। जलियांवाला बाग पंजाब की धरती से उन शहीदों की मिट्टी को माथे से अन्ना हजारे ने लगाकर नमन किया और प्रति किया कि अन्ना हजारे के ये 75 साल जिंदगी ये उम्र आखिर का पड़ाव, अगर बलिदान देने का वक्त आया और भ्रष्टाचारियों ने देश तो नहीं, अगर फांसी पर चंद्रशेखर या भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की तरह लटकाने के लिए आमादा हो गई तो सूफी जिलानी साहब आप भी मेरे साथ शपथ ले लीजिए, उस देश के लिए अगर फांसी पर चढ़ना पड़े तो गुरेज न करना, आगे बढ़कर हंसते हंसते फांसी के फंदे को कहीं लगा लेना। आज वो संकल्प, वो शपथ, वो प्रतिक्रिया, वो हलफ लेकर के हम चारों यहां निकले हैं। वो जनरल वी के सिंह चाहता तो आज किसी कंपनी का एम्बेसडर होता, किसी कंपनी का राजदूत होता। वो संतोष भारती चाहता तो आज महल में बैठ करके अपने आराम और आशाइश का जीवन बसर करता, मगर जब अन्ना हजारे के देशभक्ति की आवाज सुनी, आम जनता की आवाज को सुनी कि हमारा हिंदुस्तान दुख दर्द में जूझ रहा है, दुख दर्द का पहाड़ का मारा हुआ है, ऐसे भ्रष्टाचारी सरकारें चाहे किसी भी प्रांत की हो, बीजेपी की हो या कांग्रेस की, किसी भी पार्टी की हो, ये देश के लुटेरे हैं जिनके सीने में जनता का दर्द नहीं वो बेदर्द है। ऐसे बेदर्दों को सबक सिखाने का समय और वक्त आ गया है। नहीं था हमारे पास कोई मसीहा, नहीं था हमारे कारवां का अमीर, नहीं था हमारा कोई पासवान, नहीं था हमारे मिल्लत का कोई रखवाला, आज अन्ना हजारे हमारे दरमियान है। सबसे बड़े पुजारी वो है जो ऐसे देशभक्त की पूजा करें जिसका नाम अन्ना हजारे, खुदा भी माफ नहीं करेगा, खुदा भी माफ नहीं करेगा। अगर पड़ोसी भूखा है और पेट भर के तू खाना खाते रहे, लंगर और भंडारा खानकाह और मंदिर गिरजा और गुरुद्वारा में क्यों होता है कि जमाने को भूखा सोने न दो, खाना खिला के सुलाओ, जमाने को प्यासा न रहने दो, पानी पिलाओ। हमने अस्त्र तो रंग लिया, जोगिया ड्रेस तो पहन लिया, तिरंगधारी तो बन गए, टोपी तो सर पे रख ली, मगर चरण छुआने के अलावा हमने किया कुछ नहीं। अगर कर रहा है तो अन्ना हजारे कर रहा है। कुर्बान होना चाहिए ऐसे शख्स पर, ये मुहिम, ये मोमेंट, ये आंदोलन, ये एहतजाज हिंदुस्तान के आम जनता के लिए है। ये मुहिम जो छेड़ी है अन्ना हजारे ने, इनको कोई उसमें थरोकार नहीं है कि इससे मैं तख्त ताज और सुल्तनत का मालिक बन जाऊंगा। आपको सुल्तान बनाना है इस सल्तनत का, आम जनता को न्याय इंसाफ दिलाने का संकल्प लिया है। हिंदुस्तान की दूसरी आजादी की लड़ाई का जो पिरुल राले गांव के धरती पुत्र ने जो झेली है, इसमें योगदान नहीं, आने वाले समय में बलिदान करते हुए हिंदुस्तान को फिर एक नई चमक और एक तस्वीर देनी है। ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का मसीहा और सूफी संत अन्ना हजारे, पाइंदाबाद।